हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो आज मैं हूँ अपने विलेज के डैम के पास। सो अभी हम जा रहे हैं कहीं घूमने के लिए, दिखाते हैं आप लोगों को कहाँ घूम रहे हैं। वाटरफॉल बहुत ही अच्छा वाटरफॉल है, बने रहे वीडियो के साथ। सो गाइस, अभी हम जा रहे हैं डैम तो क्रॉस कर लिया डैम। हम आए थे घूमने के लिए डैम, तो धूप गई हुई है, करीबन 4 बज चुके हैं शाम के, तो धूप ऐसे जाती है यहाँ पे पहाड़ों में। और ऑफ रोडिंग है बड़ी तगड़ी सी। सो आज हम जाएंगे कंचौती, जहाँ पे हमें मिलेगा वाटरफॉल और ब्रिज, लॉन्ग ब्रिज मिलेगा बढ़िया वाला लोहे का, तो वहीं जा रहे हैं हम लोग। आज हमें घर में कुछ काम नहीं था, तो हम आगे मार्केट की तरफ, और गोयल राइड कर रहा है गाड़ी को, स्लोली चलेंगे तभी तो अच्छा ब्लॉगिंग भी होगा ना, बस चलते रहो ऐसे। तो ये था डैम भाई, आओ कभी ऑफ रोडिंग करने के लिए हमारे साथ। और ये सामने पहाड़ी, ये है हमारा कॉलोनी, इसका नाम दिया गया कॉलोनी, दिया गया कॉलोनी है। यहाँ पे जिलेबी बहुत अच्छी मिलती है, तो बंदे और इससे आगे आएगा सज्जा बगड़, हमारा जो लोकल मार्केट है वही। और धूप चली गई है करीबन पहाड़ की दूसरी तरफ, और यहाँ पे आधा पहाड़ तो पहाड़ के नीचे है अभी धूप, थोड़ी देर में इससे आगे चला जाएगा। और यहाँ पे रोड की कंडीशन इतनी खास नहीं है, बहुत ही डेंजरस रोड है, ऑफ रोडिंग गाड़ी थी यहाँ पे, तो इससे आगे भी रोड है, देखो रोड लगा हुआ है, इससे आगे रोड है नारायण आश्रम 29 किलोमीटर। नारायण आश्रम जो है वो भी एक टूरिस्ट प्लेस है, तो हम जाएंगे नहीं, अभी टाइम नहीं हमारे पास वैसे भी। देखिए गाइस कितना ऑफ रोडिंग, बहुत ही डेंजरस रोड है, तो इसको मैंने दे रखा, देखते हैं कैसे चलाते हैं। अरे किनारे नीचे देखो गाइस, अगर थोड़ा भी कुछ हुआ नीचे सीधे खाई है नीचे खाई, ये देखो कितना डेंजर रोड है नीचे। तो ऐसे जगहों में क्या करना पड़ता है, पहले ही थोड़ा मौसम बना के आना पड़ता है गाइस। और ब्रेक तो छोड़ दो ऐसे जगह में, हल्का फुल्का मारो। तो आगे जाके थोड़ा पानी पियेंगे, उसके बाद निकलते हैं हम कंचौती की तरफ। और नीचे कितनी डेंजर नदी है, ये देखो गाइस नीचे खाई, इतना डेंजर जगह में हम रहते हैं गाइस। और रोड की कंडीशन देख रहे हो कितनी ख़राब है, ये सामने में नदी आती धौली नदी, और यहाँ पे थोड़ा पानी पीते हैं, इसके बाद हम चलेंगे ब्रिज में, कंचौती ब्रिज में। थोड़ा रोको यहाँ पे, पानी यानी पीते, थोड़ा आगे लगाओ साइड में, ऑफ रोडिंग बहुत होगी। जो पहाड़ों में तो फेमस पानी कौन सा होता था, यही पानी होता है जो मूल अंदर पहाड़ों के अंदर से आ रहा है बिल्कुल। देखो ये पानी आ रहा है और ऊपर बिल्कुल हरा भरा है, पूरा पहाड़ है, देखो कहीं लग रहा है कहीं से कि नदी नाला आ रहा होगा, नहीं ना, तो यही जगह है। और सामने है बड़ी सी नदी, बहुत ही बड़ी नदी, देखो हमें जाना है बहुत ही आगे, करीबन 4 किलोमीटर आगे, तो वहाँ जाके हम थोड़ा फोटोग्राफी करेंगे, रील्स बनाएंगे, फ़ोटो खींचेंगे, है ना गाइस। तो बने रहिए वीडियो के साथ, जो चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्रेस बेल आइकन ऑल्सो, ताकि हमारे जो भी वीडियो हैं आप तक पहुँचे। तो अभी ठंडा ठंडा पानी पीते हैं, देखो कितना तरीके का बना रखा है, ये पाइप तो है नहीं, वाह स्वादिष्ट पानी है। चलिए गए चलते हैं। पूरी ऑफ रोडिंग है गाइस, ठंडा भी बहुत हो रहा है, तो किनारे किनारे की चलते रहे, जहाँ से रोड सही है वहीं से चलेगा ना। सो गाइस ये है हमारा लोकल मार्केट, जहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है, थोड़ा बहुत ये कौन है, तो ये लोकल मार्केट है गाइस। और जो स्कूल है ना गाइस, वो है वो थोड़ा आगे जो फ्रंट में दिख रहा है, ये स्कूल है जहाँ मैं पढ़ा करता था। खान क्या हाल है? बस बढ़िया यार, मेरा भाई छोटा भाई है, पता नहीं शादी आदि कब करने वाला है यार, करते हैं यार, सबने शादी कर ली अभी, ये देखो
घर जाता नहीं, यहीं रहता है। चाय भी रहे? चाय अभी पीते हैं, हम थोड़ा घूम के आते हैं वाटरफॉल तक। पंचती में हाँ। ओके तो गाइस बने रहिए वीडियो के साथ, और मैं तो नहीं चलाऊंगा यार, ठंडा हो रहा है शाम को, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है यहाँ पे, ठंडा हो रहा है बिल्कुल, यही चलाएगा यार। इसको मैं थोड़ा ट्रेंड कर रहा ना पहाड़ों में गाड़ी चलाने के लिए, ताकि मैं हर बार आऊँगा तो इसको भी दे सकूँ, पूरी रात पूरे रोड भर में ही थोड़ा चलाऊँगा गाड़ी। गाइस बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है आप लोगों को यहाँ का सीन, वाटरफॉल। वाह कितना अच्छा है ना गाइस, आओ कभी ऑफ रोडिंग के लिए इधर, इतनी डेंजर रोड है यार गाइस, ये देखो रोड बहुत कितनी डेंजर रोड है यार, पत्थर ही पत्थर है यहाँ पे। बताओ यार अपनी गाड़ी को मैंने तो ऐसे बम बना रखी ना इसको, बेचारे की ले रखी मैंने अच्छे से, लेकिन गाड़ी धोखा नहीं देता है मेरा यार, एक बात तो है ना। देखो ऐसे ऐसे ऑफ रोडिंग कर दे रहे हैं, टॉर्क है खाली 125। आगे तो और भी ऑफ रोडिंग है गाइस, देखो बस बने रहे वीडियो के साथ, देखिए कितना ऊंची ऊंची की रोड है, किनारे में चल अंदर से। और नीचे पत्थरी पत्थर, नदी नीचे सीधे नदी है नीचे, एक साइड में लगाना गाड़ी आ रही है, पास कर यहाँ पे लगा, यहाँ पे पास कर, पास कर आराम से, अंधे यार मुझे यार। देखो गाइस बिल्कुल जगह नहीं हो रही गाड़ी पास करने के लिए यार, बहुत ही डेंजर रोड है यहाँ तो। जिस रोड में हम जा रहे हैं इसी रोड में नारायण आश्रम पड़ता है, एक टूरिस्ट प्लेस, और दूसरा पड़ता है दारमा वैली। दारमा वैली हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट टाइम देखेंगे अभी जाएंगे तो, बाकी फिलहाल तो यहीं तक है हमारा जाना जाना। मौसम बना, मौसम बना क्या मौसम, ऐसी थोड़ा चलेगी गाड़ी, तो बॉस के साथ चल रहा है यार। वेरी डेंजर, बहुत ही ऑफ रोडिंग है गाइस, लेकिन जाके रहेंगे वाटरफॉल देखना ना गाइस, एक सब्सक्राइब तो बनता है यार। गाड़ी बड़े मुश्किल से चल रही है यार भाइयों। सो थोड़ी समय बाद हम पहुंचेंगे कंचौती, और कंचौती में देखेंगे और राइड कर रहे हैं, देखो बस दो ही जने हैं फिलहाल तो। इन्हीं पहाड़ियों में कुछ मिलता था क्रिस्टल टाइप का, लेकिन यहाँ पे अभी पूरा भूस्खलन हो गया तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो वैसे अभी चल रहे हैं हम इससे आगे, ठीक है, लॉटरी नहीं लगी आज, ठीक है सफर स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे चलेंगे। क्या सीन है गाइस ना, आगे देखो मतलब स्नो हिल भी है पर दिखाई नहीं दे रहा है, और जो ये पार रोड दिख रही है आपको ये है नारायण आश्रम जाने वाली रोड, ये आगे से कटेगी, जहाँ हम ब्रिज में जाने वाले हैं वहीं से कटेगी गाइस, तो चलते हैं ब्रिज में एक बार, बने रहे वीडियो के साथ गाइस। कहीं मतलब रोड कंडीशन कहीं भी सही नहीं है, सब कुछ बेकार पड़ा है इधर, बस ये एक अच्छी रोड है बस इसी में गाड़ी चलती रहती है, अब पता नहीं गवर्नमेंट कब रोड बनाएगी यहाँ क्या करेगी कोई पता नहीं है। ओके तो हम आ गए कंचौती में, कंचौती में देखते हैं कौन कौन है। कंचौती में देवम बड़ा प्रणाम बढ़िया आ रहे हैं।
चल चल आगे। अरे घूमने गाइस, ये है ब्रिज और इस साइड है वाटरफॉल। कितना अच्छा वाटरफॉल देगा। यहाँ पे भी क्या वो फ्लडिंग हुई थी इस वाली नदी में, तो वाटरफॉल वैसा का वैसा ही है। तो हम फिलहाल पहुँच गए यहाँ से राइट लेंगे, राइट लेंगे तो और ब्रिज में पहुँच जाएंगे हम लोग। ये है मेन ब्रिज गणज्योति का और यहीं पे हम थोड़ा बहुत फोटोग्राफी करेंगे। चलते रहे कोने में, वो आगे है ना गाइस, बढ़िया सा ब्रिज। अल्लाह तो ये नदी का नज़ारा बस। सो गाइस यही ब्रिज था जहाँ हमें आना था घूमने के लिए और हम आ भी गए। बाकी देखते हैं, वाटरफॉल भी बढ़िया लग रहा है, बहुत ही लंबा ब्रिज है। तो गाइस बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, और मेरे नीचे देखो जस्ट बहता पानी। और हाँ गाइस, आपको एक बात तो बताना भूल ही गया, अभी सनसेट हो रहा हमारे गांव में और धूप की किरणें आपको दिख रही होंगी, ये दिख रही है ना गाइस। तो अभी हमारा जो विलेज था, मैं बताता हूँ आपको विलेज क्या है हमारा। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा इससे आगे चले, क्या बोलते हो चलें? तो सब्सक्राइब करो चैनल को, प्रेस बेल आइकन ऑल्सो। और तब तक ये वाटरफॉल है बहुत ही अच्छा है, इसको जूम कर लेते थोड़ा, देखते हैं मुझे कैसा लग रहा है। जा रहा है ना गाइस, तो एक सब्सक्राइब तो बनता है यार इतने दूर आके आप लोगों के लिए। ओके तो गाइस, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो गाइस टेक केयर ऑल ऑफ यू, मिलते हैं न्यू व्लॉग के साथ, बाय बाय।